वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आपके देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बात की जाए तो कल के दिन में गिरावट देखने को मिली थी बहुत सारी, पर आज 241.25 पे ट्रेडिंग करा है, यानी कि 2.50 से अप है। आज के दिन में 1.05% अप है यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बातें देखी जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप अप से ओपन हुआ था 240 लेवल पे। 240 लेवल के ऊपर ओपन होकर हुए एक अच्छे मूवमेंट की थी ऊपर, पर 243 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रिजिस्टेंस लगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, मीन्स तीन बार, चार बार, चार बार रिजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया उस लेवल पे, फिर भी यहाँ पे एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तकरीबन आज यहाँ पे ओपन हुआ था 240.25 पे, हाई भी देख सकते हो आज का 243.45 का है और लो है आज का 239.95 का। तकरीबन 240 लेवल सपोर्टिव एक्ट होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि मार्केट कैप देख सकते हो 21.63,000 करोड़ का है, पी रेशियो 76.62 का और डिविडेंड यील्ड 0.62% का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन 4.23% यहाँ पे अप है, 9.80% अप है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक। और लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 12% से ज़्यादा रैली करता हुआ नजर आ चुका है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक यानी कि ये बात देखी जाए तो कल के दिन में गिरावट देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस 1 जो है वो सपोर्टिव एक्ट हो रहा है। आज के दिन में भी आज थोड़ा सा चौपी नजर आ रहा है, पर यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी कि 250 लेवल पे जाने के चांसेस फिर से यहाँ पे देखने को मिल सके। 250 को जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलने नहीं सकती इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए।